अब भाजपा की बाड़ेबंदी भी शुरू। जादूगर की तिरछी नजरों से बचाने के लिए भेजा गुजरात। आज देखिए सीके न्यूज की इसी विषय पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के यूट्यूब चैनल सीके न्यूज में आपका स्वागत है। खैर, पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाना न भूलिए। साथ ही हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है। जैसे जैसे 14 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में करीब 100 विधायक पिछले एक सप्ताह से होटलों में बंधक बने हुए हैं, तो वहीं सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के 19 विधायक दिल्ली में अज्ञात स्थान पर बैठे हुए हैं। अब 8 अगस्त से भाजपा के विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। पता चला है कि भाजपा के 12 विधायक पहले ही गुजरात पहुंच चुके हैं, जबकि 8-10 विधायक जयपुर से पोरबंदर पहुंचे हैं। भाजपा के विधायक अशोक लाहोटी का आरोप है कि गहलोत सरकार की पुलिस भाजपा विधायकों को परेशान कर रही है, इसलिए विधायक सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। वहीं जयपुर एयरपोर्ट से पोरबंदर जाने वाले कुछ विधायकों ने कहा कि 9 अगस्त को सुबह सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा, अर्जुन लाल जीनगर, जस्साराम कोहली, कैलाश मीणा, समाराम गरासिया, बाबूलाल खराड़ी, पूसाराम हरेंद्र नीनामा, गौतम लाल मीणा, अमृत लाल मीणा, शोभा चौहान, नारायण सिंह आदि गुजरात पहुँच चुके हैं, जबकि अशोक लाहौटी, निर्मल कुमावत, जब्बार सिंह सांखला, गुरदीप सिंह, महेंद्र सिंह मोची, गोपाल लाल शर्मा आदि 8 अगस्त को सांगानेर हवाई अड्डे से रवाना हुए हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने इस विषय पर बात करने पर कहा कि भाजपा विधायकों के गुजरात जाने को बाड़ाबंदी नहीं कहा जा सकता है। हमें बाड़ाबंदी करनी होती तो हम तब भी करते जब अशोक गहलोत ने कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को बंधक बनाया। कटारिया ने कहा कि भाजपा से विधायकों को एकजुट रखना पार्टी का धर्म है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 200 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 72 विधायक हैं तथा भाजपा को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। आरएलपी के 3 विधायक भाजपा को पहले से ही समर्थन दे रहे हैं। सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के 19 विधायकों द्वारा बगावत करने के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। उधर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 7 अगस्त को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। राजे ने 8 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। राजे की इन मुलाकातों को मीडिया में प्रमुखता से प्रसारित किया जा रहा है। इसी पर 8 अगस्त को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कठोर टिप्पणी की है। पूनिया ने कहा कि राजे की नड्डा से मुलाकात कोई विश्व का 8वां आश्चर्य नहीं है। राजे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना सामान्य बात है। पूनिया ने कहा कि राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पार्टी में राजे का पूरा सम्मान है। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सीके न्यूज। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।